तरह का तो कांड जो है वो तो बस एक तरह से ही गलीज जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी, यही यहाँ हुआ था। ये यहाँ पे कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी, कोई अनाउंसमेंट नहीं, इन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। जिस समय पट पट की आवाज़ होती थी बुलेट की, तो मैं समझा दबड़ बुलेट चल रही है, क्यों यहाँ चल रहा था ये उत्तराखंड आंदोलन में। तो मैं उसके उसमें जो है आगे चला गया था बस से निकल के, लगभग 220 बसें थी हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य, मैं प्रीति रावत आपके साथ। उत्तराखंड इस साल 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है अपने स्थापना दिवस में। ऐसे में बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो यह मिला है हमें कई वीरों के बलिदान से, राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष से, उनकी इच्छा से, उनके उस जोश से। उस समय का जो मंजर था, जो भयानक मंजर था, बात करें मुजफ्फरनगर कांड की, तो उस समय जो दृश्य वहाँ पे था उसे सब कैद किया है फोटोग्राफर अजय गुलाटी ने, जिनकी तस्वीरें आज भी अगर हम देखें तो हमारा दिल दहल जाता है। उस समय क्या कुछ दिशा थी, क्या कुछ चर्चाएं थी, क्या कुछ उनके मन में था, इन्हीं सब जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद है आज के इस खास प्रोग्राम में अजय गुलाटी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे उस समय क्या वो दृश्य था जब एकदम से यह इतना बड़ा कांड यहाँ पे। रामपुर तरह का तो कांड जो है वो तो बस एक तरह से ही गलीज जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी, यही यहाँ हुआ था। ये यहाँ पे कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी, कोई अनाउंसमेंट नहीं, इन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी थी। इसमें दबड़ बुलेट भी चली है इनकी और फायरिंग भी हुई है। इसमें जो है मेरे तो सामने ही कई आंदोलनकारी थे जो घायल हुए थे, जो जिनके गोली लगी थी उनको मैंने खुद देखा, मैं सामने ही था उनके। तो मैं खुद ये सोच रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ये आज़ाद हिंदुस्तान तो नहीं है, ये आज़ाद हिंदुस्तान का चेहरा नहीं दिख रहा था उस समय ये, कि हम आज़ाद मुल्क में हैं। इस तरह से जो हुआ है ये बहुत ही विभत्स है। बात करें उस समय की जब आप वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जब ऐसे दृश्यों की फोटो ली जाती है तो खतरा आप पर भी मंडराता है, कोई भी गोली आपको भी लग सकती थी, ऐसे में कितना मुश्किल था उन सबको कैद करना। यह तो आप ये समझ लीजिए जिस समय पट पट की आवाज़ हो रही थी बुलेट की, तो मैं समझा दबड़ बुलेट चल रही है, क्यों यहाँ चल रहा था ये उत्तराखंड आंदोलन में। तो मैं उसके उसमें जो है आगे चला गया था बस से निकल के, लगभग 220 बसें थी हमारे साथ। मैं बस से निकल के आगे गया तो मेरे सामने एक आंदोलनकारी के गोली लगी थी, उसके ही माथे पे भी लगी और यहाँ पसली में भी लगी। वो गिरा, मैंने खून देखा तो मैंने कहा ये तो फायरिंग हो रही है। फिर वहाँ से मैं एक पेड़ है बीच में जो आज भी मौजूद होगा, उसके पास रोड़ी पड़ी हुई थी, उस पेड़ के पीछे से मैंने जाके सारी फोटोग्राफी की, सब देखा मैंने क्या मंजर था, क्या नज़ारा हो रखा था उस समय। वो सब देखने के बाद बस अफसोस ही है आज भी मुझे, ये क्यों किया गया, बहुत गलत किया गया है। महिलाओं के साथ जो बदतमीजियाँ की गई है वो तो नारसन से शुरू हो गई थी, महिलाओं का तो उन्होंने बस गलत ही, बहुत ही गलत किया है उनके साथ, ये गलत है। और ये आज़ाद हिंदुस्तान होना चाहिए, इसमें ये इसमें जो है आज तक आप ये देखिए ना, सजा नहीं हुई इनके, कोई सुनवाई होती है तो ये कोर्ट में सरकारें ही ढिलाई कर देती हैं, ऐसा क्यों है। मेरा ये कहना है कि उनको सजा होनी चाहिए। राज्य आंदोलनकारियों का जो संघर्ष था, उस समय बलिदान था, वह सच में एक हिम्मत वाला काम था। दिल्ली जा रहे थे राज्य आंदोलनकारी एक अलग राज्य की मांग करने, रास्ते पर ही उन पर गोलियां बरसनी शुरू होगी बिना किसी चेतावनी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली आंदोलनकारी जा रहे थे, उनको निमंत्रण दिया था इन्होंने, इनसे परिवार नरसिम्हा राव थे उस समय प्रधानमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई एतराज नहीं है इनके आने से, और स्वागत मुलायम सिंह ने भी किया था उस समय इनका। लेकिन ये जो हो गया ना, इसका दोषी कौन है, आज मुलायम सिंह को भी कहते हैं, नरसिम्हा राव को भी कहते हैं, कौन है दोषी इसका। इसका दोषी तो यही समझिए ना आपकी, ये मनमानी की गई है,
जब मुलायम ने स्वागत किया, नरसिम्हा राव ने स्वागत किया इसका, तो ये गोलियां क्यों चली? इसका मतलब कोई बीच में है, जो पीछे है कोई, जिसने ये सब करवाया है। इसकी जांच होना, कभी हुई है इसकी जांच कि किसने करवाया है ये, किसने गलत चिट्ठियां भेजी हैं इसको वहां पे सरकार को, ये आंदोलनकारी आ रहे हैं, ये गलत आ रहे हैं, असला लेके आ रहे हैं और ये वहाँ पे गोलीबारी करेंगे, कुछ इस टाइप से इनके कुछ लेटर वहाँ गए हैं डीजीपी के, यूपी के डीजीपी उस समय थे, तो उस समय वो लेटर लिख के भेजा गया है उन्हें कि ऐसे ऐसे आंदोलनकारी जो है शस्त्रों के साथ आ रहे हैं, जिस वजह से ये हुआ सब। जबकि शस्त्रों का क्या, मैं तो देखा एक पत्थर तक नहीं होता था उनके पास, सारा आंदोलन देखा है मैंने। और रामपुर तहराए पे तो एक बस क्या कहें, पत्थर तक, बीड़ी तक नहीं, वो जलाने के लिए उनके वो माचिस नहीं थी, तो शस्त्र कहाँ से आएंगे? क्योंकि बात करें उस समय राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष से एक राज्य लिया, राज्य बना उत्तराखंड। आज कैसे स्थिति में देखते हैं कि जो सपनों का उत्तराखंड देखा था राज्य आंदोलनकारियों ने, क्या आज पूरा हो रखा है? उसके हिसाब से तो जो आंदोलनकारियों का सपना, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, ये सड़कें बनाने से, या जो प्लेन में राज्य हैं, जो प्लेन में शहर हैं, उनका विकास करने से ये नहीं कि विकास हो गया। पहाड़ तो वहीं का वहीं पड़ा है अभी भी। मैं राज्य बनने के बाद कहीं गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ मैं पहाड़ पे, मुझे कहीं विकास नहीं दिखाया। वो वैसा का वैसा ही है, जैसे ना पानी की दिक्कत वहाँ है, बिजली की दिक्कत वहाँ है, यातायात की दिक्कत वहाँ है, हर दिक्कतें वो आज भी हैं। काय का है ये मैं नहीं मानता ही नहीं कि ये विकास कहते हैं। एक थोड़ी सी सड़क बनाए कहते हैं उद्घाटन कर दिया हमने कि सड़क बन गई, 4 दिन में सड़क टूट के किनारे हो जाती है, क्या है ये विकास नहीं है। और देखा जाए जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी काफी बड़ा संघर्ष रहा है, आज भी अगर हम आपकी खींची हुई तस्वीरें देखते हैं तो रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्य की विकास की पटरी है वो क्यों रुकी है, क्या कहाँ पे इसका जो है ढिलाई हो गई है? इतने संघर्षों से हमें अलग राज्य मिला, क्या उनका बलिदान क्या व्यर्थ हो गया है? उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है, क्यों, इसमें एक कमी है। ये जो सरकारें आती हैं, ये सरकारें, पहली चीज़ तो ये कि अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री, जहाँ तक मुझे याद आता है, पहाड़ का नहीं है, कहने को पहाड़ का है लेकिन वो रहा प्लेन में है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो प्लेन का मुख्यमंत्री है उसको क्या बना होगा पहाड़ के बारे में? और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, एक गलती सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे जो इसकी बागडोर होनी चाहिए वो आंदोलनकारियों के हाथ में होनी चाहिए। आंदोलनकारी मात्र शक्ति को ले ले, युवा शक्ति को ले लो, किसी एक को ले लो जो कि इसका विकास कर सके, जिसको जानकारी है पूरी, हर जगह के बारे में जानता है वो कि हाँ ये पहाड़ पे ये है, ये विकास होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ मुख्यमंत्री के पास लेटर आते हैं, वो देखता है कि हाँ चल किनारे फेंक दिया, ये है यहाँ पे, ये इसलिए विकास नहीं है यहाँ का, ये पहाड़ का विकास मैं नहीं कहूँगा कि कुछ हुआ है इसमें। उत्तराखंड की राजनीति को कितना सफल मानते हैं आप? लगभग 20-22 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड की राजनीति। एक तिवाड़ी जी, नरेंद्र तिवाड़ी जी जो थे, उनकी घोषणाएं थी वही हैं, वो आज भी चल रही हैं, उसी पे अपना नाम लगा देते हैं मुख्यमंत्री जो आते हैं। एक उन्होंने जो है विकास का कार्य किया है, उसके बाद कौन है? एक एक मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता कौन है वो, किसी एक ने किया हो, कुछ तो करे, सामने वो दिखे कुछ, 4 सड़कें बना देना ये। और आजकल तो वैसे जो राजनीति चल रही है वो पैसे बांटने की है, वो ज़्यादा राजनीति यही है, हर बार नई योजना ला के उसमें 2-4 रुपये बांट देते हैं, 2-4 हज़ार बस खत्म, ये कोई विकास नहीं है। विकास, जिस आपने पहले जब तस्वीरें आप खींच रहे थे, जब उस समय आंखों देखा मंजर था आपके सामने, क्या आपके अंदर एक डर नहीं रहा कि अगर किसी ने, अगर कोई गोली मुझे लग गई या जो मैं फोटो खींच रहा हूँ वो किसी ने देख ली तो मेरे साथ क्या होगा फिर? गोली तो चली है मेरे पे भी, चली है, ऐसी बात नहीं, मुझे लगी नहीं है, वो अलग है। जिस पेड़ के पीछे से मैंने फ़ोटो खींचा है उस पेड़ पे कई गोलियां आई हैं, लेकिन डर मुझे इसलिए नहीं था कि मैं आंदोलन के साथ था। उस समय मैं देख रहा था कि आंदोलन है क्या चीज़, और जो मैंने युवाओं को, मातृ शक्ति को देखा है, जिस हिसाब से, उस हिसाब से डर नाम की चीज़ नहीं है, जुनून है एक, और वही मेरा हिसाब था। मैंने तो कवर करना था, कवर करना था, मैंने कवर ये किसी अखबार के लिए या किसी उसके लिए नहीं कर रहा था,
ये मैं अपने उस लिए कर रहा था कि हाँ ये देखो ये क्या हो रहा है, ये सब, ये मैं सबको बताना चाहता था, दिखाना चाहता था सबको कि ये हुआ है सब। ये पूरा आंदोलन कवर किया है मैंने, आप देखिएगा उसमें पूरा आंदोलन है। चलिए, एक अंत कार्यक्रम के अंत में हम हैं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस प्रकार से आज उत्तराखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए हैं, जो युवा है, खैर मैं भी उस समय पैदा नहीं हुई थी, जन्म नहीं था मेरा, आज के युवा कहीं ना कहीं क्या उसको भूल रहे हैं जो राज्य आंदोलनकारियों का इतना संघर्ष था, उनको उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? आज के युवा को ये पता है कि उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, उन्हें ये नहीं पता कि क्या हुआ था उसमें। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो है उनको पता लगे कि आंदोलन में उत्तराखंड हमें मिला कैसे है, बना कैसे है, यही उनके सामने होगा तो वो कहेंगे कि हाँ ये ऐसे बनाया, ऐसे मिला है हमें उत्तराखंड। ऐसे में जो है ना वो आगे बढ़ेंगे, वो इसको एक अच्छी नज़र से देखेंगे कि हाँ ये है उत्तराखंड हमारा है। इस समय क्या, इस समय तो बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे हाँ ठीक है यार अपना ही तो है बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो चाहता हूँ ये सबकी नज़र में आना चाहिए, जितना युवा है उसको पता लगना चाहिए, उसको भी पता लगे कि हाँ उत्तराखंड आंदोलन जो हुआ था वो कितना, किस पैमाने में हुआ था, कितना बड़ा हुआ था वो आंदोलन, अहिंसक आंदोलन। वो भी हिंसा नहीं है इसमें कोई, इसमें दिखाया गया कि हिंसा करते हुए इन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। जिस प्रकार से आपने सुना कि उस समय फोटोग्राफर अजय गुलाटी जी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जो है सारे दृश्य अपने कैमरे में कैद किए, और आज के युवाओं से वह सिर्फ एक ही विनती करते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य उन्हें मिला है वह ऐसे ही नहीं मिला है, कई राज्य आंदोलनकारियों ने बलिदान दिए हैं, संघर्ष दिए हैं। ऐसे में युवाओं को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उन जो राज्य के प्रति उनकी भावना होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। राज्य को आगे विकास की गति देने में युवाओं का जो अहम किरदार है उसे निभाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए भी बने रहे समय साक्ष्य के साथ। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।